1936 है, वेस्ट टीसी है, हिप हमारा 34 है, हिप नहीं चाहिए हमको क्योंकि अम्ब्रेला होगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्गेंजा का फैब्रिक है इसको सबसे पहले टेबल में आपको बिछा लेना है, उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि लहंगा आप कैसे कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे हम फुल सर्कल में। तो यहाँ पे लहंगा का लेंथ जो है हमारा 36 इंच है, तो आपको यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है जैसे कि हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि फुल सर्कल लहंगा जो है हम कैसे कटिंग कर सकते हैं और इजीली बहुत ही अच्छा वाला घेर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे लहंगा का लेंथ जितना भी होगा आपको यहाँ से स्टार्टिंग से आपका लहंगा का लेंथ आपको ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग से हमारा लहंगा का लेंथ 36 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच प्लस रखते हुए हम यहाँ पर जो है मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मार्क करने के बाद उसके बाद आता है हमारे कमर के बारी। तो कमर हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है हमारा 36 इंच लेंथ के हिसाब से, आपको अपना लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क कर देना है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है कमर निकालेंगे। तो कमर निकालने का सही तरीका जो है ना, वो आप यहाँ पर जो है आपको राउंड में निकालना है। तो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ से हमने दाग लगाया था ठीक वहाँ से 5 इंची डिस्टेंस ले लेंगे। तो चलो यहाँ पे 5 इंची डिस्टेंस ले लेते हैं। लेने के बाद 5 इंची लेने के बाद यहाँ पे जो है हम इसको चारों तरफ से राउंड करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे से जो हमारा 5 इंची जो है यहाँ पे ले लिए हैं, और इस प्रकार से आप इंची टेप को पकड़ेंगे और चौक के मदद से दाग लगाते लगाते आपको एक राउंड सा सर्कल बना लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल जो है कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपको हम नाप के दिखाना चाहेंगे कि हमारा जो कमर है यहाँ पे 30 इंच है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो कि 30 का आधा 15 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे 15 आ चुका है, 15 को डबल करेंगे तो 30 इंच हो जाएगा। तो यानी कि हमारे फाइनल कमर का जो भी माप है ना वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे हमें सिंपली जो है अभी कटिंग करना है। आपका कमर का माप अगर 13 से ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से जो है आप इसको 5 इंच की जगह 6 इंची लेंगे, 6.5 इंची लेंगे, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, आप अगर राउंड शेप का बेल्ट लगाना चाहते हो तो जितना भी कमर का माप होगा उससे 2 से 2.5 इंची आपको ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर दोबारा आपको हम जो है लहंगा का माप दिखा दिए कि हमारा लेंथ यहाँ पर 36 होने वाला है। आप अपना लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है। अगर आप बड़े आदमी का किसी का लहंगा बनाना चाहते हो तो आपको जो है इसका पेना जो है ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर 42 का पेना में आप कटिंग करते हैं तो आपका फ्रंट में जो है जॉइंट आ जाएगा। कृपया करके इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिए, जब भी आप कटिंग करेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर जो है ध्यान में रख के कटिंग करना है। तो यहाँ पे जो है हमने कमर निकालने के बाद हमारा लंबाई जितना भी था उतना ही जो है हम यहाँ पे भी दाग लगा देंगे। दाग लगाने के बाद जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो जो है कटिंग हो चुका है, तो उसको एक बार साइड में रखते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को साइड में रखने के बाद दोबारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल जो है अम्ब्रेला लहंगा काटने के टाइम में जो है फोल्ड करते हैं, उसी फोल्ड में आपको एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे एक बार इसको हम नीचे में बिछाते हैं ताकि आप इजीली समझ जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको बिछा लेंगे। तो पूरा बिछा लेने के बाद यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम लोग फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर फोल्ड करते हैं हम लोग जो हाफ सर्कल होता है आधा घेर वाला उसमें। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से जो है आपको कमर जो है निकाल लेना है। कमर में दाग लगाने के बाद जो है इस कमर को जो है हम यहाँ से काट के निकाल लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे काट के निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर जो है आप यहाँ पर इसका लेंथ वगैरह लेके चौक की मदद से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपका लेंथ जितना भी हो सक, यहाँ पे 36 है हमारा यहाँ पे, तो आपका 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपसे जो है मेथड शेयर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है टेबल में रख के आप कटिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर जो हम आपको नीचे रख के दिखाएंगे ताकि आपको जो है समझने में ईजी रहेगा। तो चलिए ये जो है हमारा सेकेंड लेयर जैसे हम काट रहे हैं वैसे जो है फर्स्ट लेयर भी आपको काटना है, आप अगर फुल सर्कल में काटना चाहते हो।
तो बेल्ट का मार्जिन आपको रखने के बाद जितना भी आपका लेंथ रहेगा इस प्रकार से जो आप यहाँ पे दाग लगा देंगे चौक की मदद से। दाग लगाने के बाद आपको जो है कट कर देना है। तो चलो एक बार जो है हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो हम सेकेंड लेयर 30 इंच रख रहे हैं और हमारा फर्स्ट लेयर 36 इंच रहेगा। तो फर्स्ट लेयर हमारा कटिंग हो चुका है। सेकेंड लेयर के जरिए जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फुल सर्कल का लहंगा आप इजीली कैसे कटिंग करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हम डबल सर्कल काट रहे हैं, एक 36 का और एक जो है हमारा 30 इंच का, यानी कि 6 इंच का जो है डिफरेंस रहेगा। उसके बाद जो इसको हम ट्राइंगल शेप में करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा जो फुल सर्कल का जो भी लहंगा है कटिंग होकर तैयार हो जाता है। कटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गाइज़ जैसे कि आप सभी ने देखा कि आपको हमने फुल सर्कल का जो है ना लहंगा काटना ही सिखाया, तो वैसे ही जो है सेम और एक सर्कल फुल जो है काट लेंगे। पहला सर्कल ये हमारा होगा क्योंकि जो कि हम यहाँ पे 36 इंच लेंथ के हिसाब से करेंगे। आपका लेंथ अगर जितना होगा आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। एंड इसी प्रकार से और एक सेम लेयर हम काट लेंगे जिसका जो है ना एक छोटा लेयर होगा। ये हमारा 36 इंच का होगा और ये हमारा 30 इंच का होगा। करीबन 6 इंच का डिस्टेंस आपको मिल जाता है। उसके बाद जो ये हमारा हाइलो पैटर्न हो जाता है। आप अगर दो लेयर का बनाना चाहते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं आप अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है हम दो लेयर में बनाएंगे बट थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट बनाएंगे। तो डिफरेंट बनाने के लिए आइए देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो फिर से हम जो है इसको एक बार भाज कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो है सारा फोल्ड जो है कर रखा है। सारा फोल्ड करने की बाद ये रहा हमारा मेजरमेंट यानी कि इंची टेप। तो यहाँ से हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट करेंगे। जैसे हमारा 26 आता है तो 26 का आधा हमारा जो है 13 आएगा। तो 13 पे हम सेंटर पॉइंट करेंगे। 13 इंच पे करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ट्राइंगल में शेप देंगे ताकि हमारा जो है ना इस टाइप से आएगा और देखने में हमारा लहंगा का जो है लुक टोटली चेंज करेगा। तो आइए ट्राइंगल के लिए शेप जो हमें किस टाइप से देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे मिडिल सेंटर किया है, आप एक बार देख लीजिए। मिडिल सेंटर करने के बाद अब हमें कितना ट्राइंगल रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जितना चाहिए मैं तो अपना उतना करूँगा, आपको जितना चाहिएगा आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इंची टेप लेंगे और इंची टेप लेके यहाँ से हम मापेंगे कि हमें कितना ट्राइंगल में रखना है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल मोटा मोटी 10 इंच पर रखेंगे। तो चलिए 10 इंच पर एक दाग लगा देते हैं और इधर से भी हम 10 इंच पर दाग लगा देंगे। तो चलिए हमारा जो है 10 इंच पे जो है यहाँ पे दाग लग के जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारा यहाँ का डिस्टेंस 10 इंची, यहाँ से हमारा डिस्टेंस है 10 इंची। चलो और एक बार हम आपको माप के दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमारा 10 इंची है और सेम 10 इंची का दाग आपको यहाँ से यहाँ तक लगाना है। लगाने के बाद एक छोटा सा स्केल लेंगे, उसके मदद से हम यहाँ से इसको ट्राइंगल शेप दे देंगे। तो इस टाइप से आपको रखना है, रख के यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आपको जो है दाग मार देना है। सेम चीज़ आपको जो है यहाँ पे जो है हम आपको करा रहे हैं, तो स्ट्रेट दाग मार देना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस दाग को भी हम मिला देंगे। तो यहाँ पे स्केल इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से दाग मार देंगे। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन साथ हमारा जो है ट्राइंगल शेप जो है हमारा त्रिभुज यानी कि त्रिकोण जो है हमारा रेडी हो जाता है। तो इसके बाद जो है हमें कटिंग करना है, तो चलिए कटिंग करते हैं। तो चलिए ये जो हमारा त्रिकोण है ट्राइंगल शेप में जो है ना हमने रखा है, इसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करके फिर आपको हम दिखाएंगे, इसके ऊपर रख के इस बार दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं।
ये हमारा ट्रायंगल शेप जो है प्रॉपर रेडी हो जाता है। तो चलो एक बार जो है हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा फोल्ड है एंड ये इस टाइप से आ जाएगा। जैसे इस चीज को आप देख सकते हो, ये हमारा ट्रायंगल शेप में। तो इसको जो है हम इसके ऊपर में रखें। ये हमारा हो गया डबल लेयर का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारा बड़ा लेयर है और एक हमारा छोटा ट्रायंगल लेयर है। तो इस प्रकार से इसको हम रेडी करें। देख के अच्छा लगता है, वीडियो से अगर आपको देख के कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको इसी टाइप की वीडियो के कटिंग स्टिचिंग की ज़रूरत है।